दोस्तों, इस दुनिया में कहानियां सुनने और सुनाने का इतिहास बहुत पुराना है। जहां महाभारत के संजय को पहला स्टोरी टेलर माना जाता है, जिन्होंने एक अंधे सम्राट को उसके बेटों के बीच चल रहे युद्ध का वर्णन सुनाया था। क्रिकेट का शुरुआती दौर भी कुछ इसी तरह का रहा, जहां टेलीविजन आने से पहले कुछ लोगों ने अपनी बेहतरीन आवाज के माध्यम से ही लोगों को इस खेल से जोड़े रखने का काम किया था। 20 के दशक से शुरू हुआ यह सफर आज भी सैकड़ों बदलावों के बावजूद न सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब है, बल्कि इस खेल की परंपरा में अपना खास स्थान भी रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट कमेंटेटर्स की, और आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही बेहतरीन लोगों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, जिन्होंने समय समय में इस खेल को अपनी आवाज देकर रोमांचक बनाने का काम किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सुशील दोषी। साल 1950 में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर में पिता निरंजन लाल और मां मदन कुंवर के घर में जन्मे सुशील दोषी को भारत के पहले हिंदी कमेंटेटर के रूप में जाना जाता है। साल 1968 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में 18 साल की उम्र से अपने कमेंट्री करियर की शुरुआत करने वाले सुशील दोषी ने श्री गोविंद राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। सुशील दोषी को क्रिकेट के प्रति लगाव या यूं कहें जुनून बचपन से ही था, जिसके चलते ये रेडियो पर बड़े बड़े कमेंटेटर्स को सुनते थे और साथ ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तस्वीरें भी इकट्ठा किया करते थे। सुशील दोषी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कमेंट्री करने का मौका पहली बार साल 1972 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मिला था, जिसके बाद अपने 50 साल लंबे करियर में इन्होंने 9 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 85 टेस्ट और लगभग 400 वनडे मैचों सहित कई T20 मैचों में भी कमेंटेटर के तौर पर काम किया था। रेडियो के दौर में इनकी आवाज और हिंदी भाषा पर इनकी पकड़ ने भारतीय किसानों को भी इस खेल से जोड़ने का काम किया था, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की भी थी, और यह बात इनकी आवाज के जादू को अच्छी तरह बयां करती है। साल 2016 में क्रिकेट कमेंट्री में इनके बेहतरीन योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा सुशील दोषी को पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा सुशील दोषी ने क्रिकेट के खेल और इतिहास पर पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें 2016 में पब्लिश होने वाली पुस्तक क्रिकेट का महाभारत मुख्य है। ये बाछी गेंद थे, बिल्कुल ऑफ और मिडिल स्टंप पर और बढ़िया फील्डिंग कवर पर, और सभी फील्डर्स को भी लग गया है कि अब चेतने का वक्त आ गया है। आकाश चोपड़ा। 19 सितंबर 1977 को जन्मे आकाश चोपड़ा का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर भले ही यादगार ना हो, लेकिन वर्तमान पीढ़ी के हिंदी भाषी कमेंटेटर्स में आकाश चोपड़ा का स्थान बहुत ऊंचा है। अपने करियर में केवल 10 टेस्ट मैच और 21 आईपीएल मैच खेलने वाले आकाश चोपड़ा की आवाज आज हर आईपीएल सीजन में और भारतीय टीम के लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मैचों में सुनने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इनकी अपनी भाषा पर कंट्रोल और एक अंदाज जो इन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। अंग्रेजी भाषा के कमेंटेटर्स की एक लंबी फहरिस्त में हिंदी भाषा को जीवित करने वाले आकाश चोपड़ा की आवाज को इंटरनेट की जनरेशन में सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है, जिसकी बदौलत आकाश चोपड़ा मोबाइल क्रिकेट गेम में एक कमेंटेटर के तौर पर अपनी आवाज देने वाले पहले क्रिकेट कमेंटेटर हैं। माही मार रहा है, रोहित मैन शर्मा और शिखर बेफिक्र जैसे वन लाइनर किसी भी क्रिकेट प्रेमी को मैच का हाल बताने के लिए काफी है, और यही बात आकाश चोपड़ा को भारतीय दर्शकों का फेवरेट बनाती है। रिची बेनो। 6 अक्टूबर 1930 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए रिची बेनो को एक उम्दा कमेंटेटर के साथ साथ बेहतरीन ऑलराउंडर और कप्तान के तौर पर भी जाना जाता है। साल 1952 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले बेनो टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 2000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। 1958 से 1964 तक बेनो की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम को एक भी टेस्ट सीरीज में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम इनकी कप्तानी में 3 बार एशेज चैंपियन भी बन चुकी थी। साल 1964 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बेनो ने कमेंटेटर के तौर पर लगभग 4 दशकों तक काम किया था, जिसमें ये बीबीसी और चैनल 9 के साथ जुड़े रहे। मॉरवेलस शब्द का उच्चारण आज भी कमेंट्री में इनसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता है। वॉइस ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर बेनो ने क्रिकेट इतिहास के कुछ यादगार पलों को अपनी आवाज दी है, जिनमें शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी के अलावा 1981 एशेज भी शामिल है। 2005 की एशेज सीरीज में इस आवाज को अंतिम बार कमेंटेटर के तौर पर सुना गया था। 10 अप्रैल 2015 को 84 साल की उम्र में रिची बेनो का निधन हो गया था। हर्षा भोगले। 19 जुलाई 1961 को हैदराबाद में पैदा हुए हर्षा भोगले के बिना कमेंटेटर्स की कोई भी लिस्ट पूरी करना असंभव है।
फ्रेंच और फिजिकोलॉजी के प्रोफेसर के घर पैदा हुए हर्ष भोगले खुद भी केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री धारक हैं। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हर्षा भोगले ने अपना कमेंट्री करियर 19 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ शुरू किया था। एबीसी रेडियो ग्रैंड स्टैंड के साथ काम करने के बाद हर्षा भोगले साल 1996 और 1999 वर्ल्ड कप के दौरान बीबीसी की कमेंट्री टीम का हिस्सा रहे थे। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा भोगले ने हर्षा ऑनलाइन और हर्षा अनप्लग जैसे टेलीविजन प्रोग्राम होस्ट किए थे। इसके अलावा भोगले क्रिकेट से जुड़ी कुछ किताबें भी लिख चुके हैं, जिसमें अजहरुद्दीन की बायोग्राफी प्रमुख है। द वॉइस ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से मशहूर भोगले को इस खेल की समझ और फ्लॉलेस इंग्लिश बोलने की कला एक बेहतरीन कमेंटेटर बनाती है। यही कारण है हर्षा भोगले को क्रिक इन्फो के एक सर्वे में बेस्ट कमेंटेटर चुना गया था। वर्तमान में भोगले क्रिक बस से जुड़े हुए हैं। रवि शास्त्री। साल 1981 से 1992 तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहने वाले रवि शास्त्री को अगर भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पलों की आवाज कहें तो गलत नहीं होगा। फिर बात चाहे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में युवराज के बल्ले से निकले 6 छक्कों की हो या फिर 2011 वर्ल्ड कप की, रवि शास्त्री के शब्द और उनकी आवाज इन यादगार पलों में 4 चांद लगाने का काम करती है। साल 2011 वर्ल्ड कप के आखिरी पलों के दौरान रवि शास्त्री के गले से निकली आवाज और हर शब्द आज भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक सिहरन पैदा कर देती है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले रवि शास्त्री ने जब युवराज सिंह के 6 छक्कों को अपनी आवाज दी तो वो लम्हा भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यादगार बन गया था। रवि शास्त्री की आवाज में मौजूद खनक और शब्दों का चुनाव उन्हें एक महान कमेंटेटर बनाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच का पद संभालने के बाद रवि शास्त्री ने कमेंट्री छोड़ दी थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।